समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे अमेठी गोलीकांड में मृतक दलित शिक्षक के परिवार के सदस्यों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात करवाने सीएम आवास पर पहुंचे। मनोज पांडे के साथ मृतक टीचर के मां और पिता मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद जब आवास के गेट पर मनोज पांडे पहुंचे तो मीडिया ने पूरे मामले को लेकर उनसे सवाल पूछा। इस दौरान मनोज पांडे ने विपक्ष द्वारा सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़े करने को लेकर भी सवाल के जवाब दिए। साथ ही सीएम योगी ने पीड़ित परिवार की किस प्रकार मदद की इसको लेकर भी मनोज पांडे ने जानकारी दी। मनोज पांडे ने बताया कि पीड़ित परिवार को जमीन का पट्टा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आयुष्मान कार्ड देने की बात कही गई है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे परिवार को पूरी अपनी संवेदना व्यक्त किया, अपना दुख प्रकट किया। वहीं मैं धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पीड़ित परिवार को अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जो उन्होंने उन्हें न्याय देने का काम किया, मैं उसके लिए आभार प्रकट करूंगा। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को बताने का काम किया कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराध करने वाले व्यक्ति अब नैनीताल और मंसूरी में नहीं घूमेंगे बल्कि लंगड़ा करके घूमेंगे। और वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में ये एहसास कराया कि वो केवल मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के गार्जियन और संरक्षक। उन्होंने जिस तरीके से उनको आर्थिक लाभ और उन्हें आर्थिक सहायता, मृतक आश्रित में नौकरी जैसी तमाम चीजें उन्हें देने का काम किया है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार हूं। सीएम योगी से मुलाकात के बाद मृतक शिक्षक के पिता का भी बयान सामने आया। पिता ने कहा कि वो सीएम योगी से संतुष्ट हैं और उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, हमारी मांगे मानी जा चुकी। क्या उन्होंने कहा उनकी बात की संतुष्ट है? बात की संतुष्टि यह है कि मतलब जो हमारी मांगे थी हमने मांगे पूरी दिया है। बच्चे के लिए जो है नौकरी देने का है, रहने के लिए छत जगह देने का है, खेती देने के लिए कहा है और जो ना वजह क्या इलाज कराने के लिए बच्चे के लिए ये बताइए जो दोषी है क्या उनको सजा देने की बात कही है? आए? जो दोषी है क्या सजा देने? दोषी सजा देने के लिए साहब खुद बोले कि जो ना हम उनको पकड़वा दे, एक एक के जो ना पकड़वा लेंगे। जो ना अब एक जने तो मुलजिम पकड़ गया है, अब एक थोड़ो आउट होंगे। तो मतलब पूरे मुख्यमंत्री से बात हुई, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के सरकारी आवास पर पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मनोज पांडे जी की उपस्थिति में जनपद अमेठी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिजनों से भेंट की। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदना एवं प्रतिबद्धता के साथ शोक संतप्त परिजनों के साथ है। आश्वस्त रहें, पीड़ितों को अवश्य न्याय मिलेगा, दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को चंदन वर्मा ने सरकारी स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और उनकी बेटियों को गोली मारकर जान ले ली थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चंदन को शुक्रवार को दिल्ली भागते समय नोएडा के जेवर टोल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। इस पूरे कांड की वजह चंदन और मृतक शिक्षक की पत्नी पूनम के बीच अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया कर्मियों के सामने आरोपी चंदन ने इन संबंधों से इनकार किया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।